नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हमारी कोशिश है कि हम समाज की उन सब बेटियों से आपको मिलवाएं जिनकी कोशिशों को समाज ने सराहा है, जिनके काम को राज्य और देश ने माना है। आज चलते हैं छत्तीसगढ़ उस बेटी से मिलवाने जिसने अपनी माटी की खुशबू चारों तरफ फैलाना ही जीवन का मकसद बनाया, तो न गरीबी आड़े आई न ही समाज की दीवारें, बस आगे बढ़ती चली गई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंची तो लोगों ने जाना तीजन बाई को। द्रौपदी का संघर्ष, महाभारत की कहानी तीजन बाई की जुबान। वो तीजन बाई जिसका नाम पूरी दुनिया में पांडवनी का पर्याय बन चुका है, जोश और दर्द की जुगलबंदी। आवाज के साथ साथ भाव भंगिमाओं का जादू, सुनने देखने वाला हर शख्स मानो कहीं खो सा जाता है। तीजन जब हाथ में एक तारा लेकर पांडवनी गाना शुरू करती है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं निश्चल निर्मल झरना कल कल बह रहा हो। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव गनियारी में 13 साल की उम्र में शुरू हुआ सुरों का ये सफर 60 बरस की उम्र में भी उसी जोश के साथ जारी है। बचपन की यादों के तार छेड़ने की देर थी कि तीजन की आंखों के सामने हर वो तस्वीर जीवंत हो गई जिसमें पांडवनी गाने वाले नाना ब्रिजलाल से लेकर गांव, खेत और पड़ोस के जंगल तक सभी उभर आते हैं। खरगोश, कबूतर और तीतर का शिकार करने वाली नन्ही तीजन के दिल में पांडवनी ने ऐसी जगह बनाई कि नाना भी अचंभे में पड़ गए। जो कहानी कहते हैं उसको सुनती हूँ छुप के। अरे कब से सुन रही है? तो बोले द्रौपदी चीर हरण के दिन से। अच्छा अच्छा, क्या क्या सुनी? तो मैं एक हफ्ता सुनी थी उसको, मैं 10 मिनट में पूरा जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म कर दी। तो मेरे नाना के आँख में आंसू आ गए और आकर एक ही बात बोला कि मेरे घर में रत्न है और मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। लेकिन तीजन बाई का पांडवनी से रिश्ता बनना इतना आसान नहीं था। एक तो लड़की, ऊपर से गरीबी और घर के कामकाज में मदद का दबाव और उस पर गाने का जुनून। तीजन का बचपन इन सब में कहीं फंस कर रह गया था क्योंकि उनकी माँ को पांडवनी गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत मारती थी छोटे छोटे बात में। मैं गलती भी करती थी ना कि एक काम करके रखना, तो काम नहीं करती थी। खेल खुद में ज्यादा दिमाग आता था तो मार खाना ही खाना था। आज दुनिया भर में नाम कमा चुकी तीजन अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत, लगन और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। उन्हें याद है कि कैसे एक बार मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उनका गायन सुना। छत्तीसगढ़ की ये बेटी आज बेहद अलग अंदाज में भीम की गदा से लेकर दुशासन की बांह और द्रौपदी का चरित्र जैसी महाभारत की छोटी छोटी कहानियों को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। अभावों के बीच से निकलकर शिखर तक पहुंचना तो कामयाबी की मिसाल है ही, मगर जरा उन बेटियों के बारे में सोचिए जिनके पास सब कुछ था लेकिन उसके बाद भी जीवन का मकसद बनाया और मिशन पर निकल पड़ी नई राह पर। कल आपको मिलवाएंगे नीना कुमार से, जो पैसे के हेर फेर में लगे लोगों को कानून के हंटर से साधने में जुटी हैं। बस आप देखते रहिए आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।